गार्ड प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे लोग लगे हैं, लेकिन अगर हमारे लोग इधर लगेंगे तो अच्छी वाला में वो चीज़ भी अलग है। सामने तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए। आपसे मैं ये फ्लैट काफी सारे बहुत बहुत सारे बोला, फिर आपको और स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे आपने बोला कि हम बैठा करेंगे यहाँ पे टर्न वाले टाइम पे रोड खुली थी, बाकी टर्न का टाइम काम है। पैसे कुछ नहीं भेजे, वो पैसे मेरा पड़े सबको मालूम है कि रजौरी टाउन में बहुत सारे इश्यूज हैं और उनमें से एक मेजर इशू है ट्रैफिक को लेके, कंजेशन को लेके, जिसके लिए एक डिटेल्ड मीटिंग सुबह डाक बंगले में हम सभी डिपार्टमेंट्स की ली है और कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हमने ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहला एरिया हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी का है, क्योंकि कभी कोई पेशेंट इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ जाती है या डॉक्टर ने रात को इमरजेंसी में पहुंचना है तो उस टाइम पे वी नीड टू टेक दिस रूट वेरी क्लियर। तो सभी डिपार्टमेंट्स का आज यहाँ पे विजिट किया गया है और एरिया आइडेंटिफाई किया गया है। थोड़ा सा ट्रैफिक में कुछ चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए हमने रिकमेंड किया है और उसी के रिगार्डिंग जो जीएमसी रजौरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी एक मीटिंग हुई है कि कैसे हमने यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आए या एम्बुलेंसेज आए उनको कैसे फास्टेस्ट वे में यहाँ पे पहुँच पाए और यहाँ पे उनका इलाज जो है वो शुरू हो पाए, इसी के पूरे प्रयास को लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन। ऐसी कोई भी जो न्यूज़ है, ऐसी कोई भी अगर आपके पास अपडेट है, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप फटाफट उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नोटिस में लाएं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नोटिस में लाएं और मैं उनसे फॉलोअप करके उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अगर कोई फ्रॉड केस है तो उसमें पुलिस भी पूरी तरीके से जो है वो उसमें एक्शन लेने के लिए तैयार है, उसमें कोई ऐसी एविडेंस आपके पास होगा। और साथ में ही हमने आज ये भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, दे शुड बी वेयरिंग सम यूनिफॉर्म्स। देखिए ये सारे इश्यूज जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक बार ही प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी ये जो है वो उस पर ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ में बता पाएंगे। एज फार एज जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें डायरेक्शंस ऑलरेडी हॉस्पिटल को हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंश्योर करेंगे और अगर कहीं पे नहीं होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर पार्किंग जो बेला कॉलोनी में बस स्टैंड का बनाने का पर्पज ही यही था कि इसको डिकंजेस्ट करना है, वहाँ का काम हो चुका है, विद इन 2-3 डेज वो स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे का सारा जो पार्किंग का प्रॉब्लम है वहाँ से रिजॉल्व होगा।